नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, कृषि फसलों का वायदा बाजार का अपडेट लेने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी लॉकडाउन का डर सता रहा है और आपको भी लग रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है और आपका कारोबार ठप पड़ सकता है, तो ऐसे में आपका कारोबार संभालने और उठाने के लिए आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। MYBIGBLIS माई बिग ब्लिस ऐप आपको घर से बैठे बैठे काम करने का, पैसा कमाने का मौका दे रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इस पर आपको अपनी दुकान रजिस्टर कर लेनी है और फिर आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, करना छोटा सा ये काम है। सबसे पहले फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाकर माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड करना है, फिर अपना स्टोर बना लेना है। दुकान रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ज़रूरी नहीं कि आप पहले से कोई कारोबारी हो तभी आप इस ऐप पर यानी माई बिग ब्लिस ऐप पर अपना काम कर सकते हैं, अपना कारोबार चला सकते हैं। अगर आप कुछ भी सामान बेचना चाह रहे हैं, अपना खुद का स्टोर बनाना चाह रहे हैं, वर्चुअल दुकान बनाना चाह रहे हैं, तब भी आप इस ऐप के ज़रिए लाभ उठा सकते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉई हैं, हाउसवाइफ हैं, या फिर अपना कोई ठेला भी क्यों ना लगाते हो, सब्जी और फल ही क्यों ना बेचते हो, तब भी आप इस ऐप के जरिए अपना सामान बेच सकते हैं। तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के कृषि फसल बाजार के अपडेट की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसा सीड से। देख रहे हैं कि कैसा सीड का जनवरी वायदा 5928 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 5950 का ही लगा चुका है, 0.25% की करेक्शन है, गिरावट है। हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का वायदा बाजार शाम की कारोबारी सत्र में 5900 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कैसा सीड हाल ही में 6000 के ऊपर भी जाता नजर आया था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया, सस्टेनेबिलिटी वहां पर नहीं देखने को मिली है। हालांकि अब जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कैसा सीड का जो वायदा बाजार है वह कैसा सीड का जो उत्पादन है पिछले 3 साल में सबसे कम रह सकता है, लगभग 15.98 लाख टन रह सकता है, जिसकी वजह से कैसे की कीमतों में हमने बीच में उछाल आता देखा था और यही रीज़न है कि कैसे अभी 5900 के ऊपर सस्टेन हो रखा है। सस्टेनेबिलिटी कैसे सीड की कीमतों में अभी देखने को मिल रही है, यही रीज़न है। और जो दूसरा ज़्यादा तेज़ी इसलिए नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि कैसे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है अभी वो इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। बात करें यहाँ से बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देख रहे हैं 3325 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.25% की तेज़ी है। देख रहे हैं कि बिनौला खल का जनवरी वायदा 3300 के ऊपर अभी भी सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आज भी बिनौला खल 3300 के ऊपर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बिनौला खल की कीमतों में लगातार तेज़ी कायम है, लगातार कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि बिनौला खल की जो कीमतें हैं वो तेज़ी के साथ ट्रेड करती नज़र आ रही हैं और हमने बिनौला खल में एक के बाद एक तेज़ी बनते हुए भी देखी। ये वही लेवल आ चुके हैं साल 2022 की शुरुआत में जो हमने साल 2021 में लॉकडाउन के दौरान देखे थे। उस टाइम हमने देखा था कि बिनौला खल 3200-3300 तक जाता नज़र आया था, फिर वहाँ से मुनाफा वसूली बनी थी। आप देख रहे हैं कि 2022 की शुरुआत में बिनौला खल की जो कीमतें हैं वो उसी लेवल से एक बार फिर से रिस्टार्ट होती नज़र आई हैं, वहीं से एक बार ट्रेड करती नज़र आ रही हैं। तो आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा और आगे किस कृषि फसल में तेजी देखने को मिल सकती है, जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट MCV पर। धन्यवाद अजय जी। सबसे पहले आपसे कैसर के ऊपर बात करना चाहूँगा। हमने कैसर में हाल ही में 6000 के ऊपर लेवल्स जाते हुए देखे थे, वहाँ पर टेस्ट होते हुए देखे थे। खबर निकल के सामने आई थी कि कैसर का जो उत्पादन है वो पिछले 3 साल में कम रह सकता है। आपका क्या कहना है, क्या कैसर में फिर से 6000 के ऊपर कीमतें जाती हुई नजर आ पाएंगी? देखिए, टाइमिंग हमें लगता है कि अराइवल के लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज नो डाउट क्रॉप साइज काफी कम है, नो डाउट। बट साथ में अगर हम देखेंगे तो कैस्ट्रॉल जो कैस्ट्रॉल मिल के जो एक्सपोर्ट्स है वहां पे भी हमने थोड़ा सा निराशा या थोड़ा पैसिमिज्म देखा है। तो आई थिंक एक बार जनवरी मंथ और फरवरी के फर्स्ट हाफ या फरवरी के मिड तक अगर हम बात करें तो प्राइजेस 6100 के ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे, नीचे में लिमिटेड डाउन साइड रहेगा, बट 5500-5600 का एक बेस दिखाई दे रहा है। अगर या तो डिमांड इंप्रूव हो तो हम समझे कि प्राइजेस को एक अच्छा सपोर्ट मिले,
या अराइवल्स में अभी सामने है ही, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस एक सीमित दायरे में है, थोड़ा नीचे मिलना चाहिए 5500-5600 के करीब। बट लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ऐसा भी बड़ा मंदी नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज पिछले सालों में भी हमने देखा कैस्टर ऑयल की डिमांड कंटिन्यू हुई थी। अब थोड़ा सा कोविड को चल देखते हुए डिमांड में थोड़ा ड्रॉप है, बट आई थिंक फरवरी के बाद जैसे जैसे चीजें वापस ओपन अप होते हुए दिखाई देगी, एक्सटर्नल इंटरनेशनल डिमांड हम फिर से पिकअप करते हुए दिखेंगे। तो टाइमिंग मुझे लगता है जब तक 6100 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं आता है, नीचे में 5500-5600 तक का लेवल एक बार देखने मिल जाएगा जी। ये से अजय जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि 3300 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है, 3300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है जनवरी वायदा में। अजय जी आपने जो टारगेट दिया था 3200 का, वो आपका टारगेट अचीव हो चुका है, अब आपको यहाँ से क्या लगता है जो 3300 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है बिनौला खल, तो क्या आगे अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए मैंने पहले भी कहा था, आपके चैनल पे भी कहा था कि जनवरी में हम 3150 तक का लेवल देख पाएंगे, फरवरी में 3600, ओवरऑल 4000 तक का टारगेट है। बट जिस ढंग से हमने रिसेंटली पिछले 7 दिन के अंदर ही एक बड़ी तेजी आती हुई देखी है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी आशंका रखती है कि अराइवल्स कैसे रहेंगे, बिकॉज अभी भी माना ये जा रहा है कि फार्मर्स के पास काफी माल पड़ा हुआ है, जिसके चलते मुझे लगता है जो बड़ी तेजी आई है यहाँ पे हमें लगता है कि एक अराइवल का प्रेशर बन सकता है फिर से। लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अगर हम मार्च तक की भी बात करें तो देखिए जिस दिन से क्रूड में तेजी बनी हुई है वो एक मैनमेड फाइबर को भी महंगा कर रहा है, तो कॉटन को भी सपोर्ट मिल रहा है, और कॉटन की डिमांड के चलते चलते कॉटन सीड ऑयल केक में भी तेजी बनी हुई है, डेयरी इंडस्ट्री की भी डिमांड है जो उम्मीद है ये साल में 11-12% की एरिया ग्रोथ दिखाएगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर काफी बुलिश है, बट टाइमिंग जो 3320 का भाव है ये थोड़ा सा एक मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आ सकता है, जो 3050-3100 तक का एक बार पुल बैक 200-250 पॉइंट की पुल बैक मिले तो वहां पे प्राइस बाइंग करनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से माल पड़ा है तो बिल्कुल उसको होल्ड करके चलिए, जो अप साइड में हमें लगता है कि 4000 तक का लेवल मार्च तक दिखने मिल जाएगा जी। यहीं से अजय जी बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसाला में आपने पहले ही बता दिया था कि धनिया और जीरे में आप काफी ज्यादा बुलिश हैं, धनिया और जीरे में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, वही हम तेजी अब आते हुए भी देख रहे हैं, कि धनिया में अचानक से उछाल आता नजर आया है और 9400 के ऊपर धनिया का वायदा बाजार ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको यहाँ से क्या लगता है क्या यहाँ से अभी मसालों में जो तेजी है क्या ये कंटिन्यूस रहेगी? बिल्कुल जैसा हमने उम्मीद की थी वैसा ही मार्केट में मूव होते हुए देखा है। टाइमिंग हमें लगता है कि मार्केट में तेजी का रुख ही है, जिस ढंग से इस बार क्रॉप की स्विंग में ड्रॉप है, एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई देने लग जाएगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है जैसे जीरे की बात करें ये हमें लगता है कि 22-23 हजार तक का लेवल, धनिया में अगर बात करें 12.5-13 हजार तक का लेवल देखने मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमें लगता है मसालों के अंदर ये साल काफी मजबूती रहेगी जो कंटिन्यू चलनी चाहिए जी। अजय जी हमने जीरे में भी कल को 17,000 का लेवल टच होते हुए देखा था, 17,000, और इस वक्त भी देख रहे हैं कि जीरा 16,900 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है जनवरी वायदा, और 17,125 का भी हाई लगा चुका है, आपको क्या लगता है क्या जीरे में भी यहाँ से अभी और उछाल देखने को मिल सकता है अभी जनवरी के अंदर? जीरे के अंदर हमने देखा है कि कैरियर स्टॉक भी थोड़ा कम होते गया था, इस बार स्विंग में ड्रॉप आया है। चाइना से इनिशियली हमने देखा था डिमांड थोड़ी ड्रॉप दिखा रहा था, लेकिन एज ऑफ नाउ हमें लगता है चाइना से भी अभी जिस ढंग से जो पेस्टिसाइड का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखने लग गया है, जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है, और अपसाइड में हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपसाइड के अंदर 22-23 हजार तक का भी लेवल दिखा देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है जीरा काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव रहेगा और आगे भी तेजी का रुख कायम रहेगा जी। ये सर जी बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो हम देखते हैं कि ग्वार गम में निचले स्तर से खरीदारी तो बनती है, 11,100 11,200 तक भी कीमतें जाती हैं, लेकिन फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और कीमतें एक बार फिर से जहां से खरीदारी बनी थी वही लेवल एक बार फिर से दिखा देती हैं। ये ट्रेंड हम काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं ग्वार गम और ग्वार सीड के वायदा बाजार में, आपको क्या लगता है क्या आगे भी फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद ग्वार गम और ग्वार सीड की जो ट्रेंड है यही रहने वाला है? देखिए गवाह में मैंने पहले भी कहा था मेरा व्यू न्यूट्रल है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी तेजी मुझे टाइमिंग नहीं दिखाई दे रही है, प्राइस जब तक 6250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है आई थिंक प्राइस वापस 5600 के तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी सवाल है कि जब तक 6250 के ऊपर का वीकली क्लोज नहीं आता है वेट करना चाहिए। गवाह गम में भी हमें लगता है कि
उम्मीद यही थी कि सीजन से क्रूड के भाव बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं गवार गम की एक्सपोर्ट में जंप आएगा, लेकिन अभी तक यूएस से अगर हम देखें तो यूएस से कहीं पे भी प्रोडक्शन पे कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है, यूएस में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि गवार गम साइड में रहेगा, नीचे में 5600 से 5700 का लेवल गवार सीड में और 9500 से 9800 के बीच में गवार गम देखने मिल जाएगा। तो बेटर है लॉन्ग में सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा वेट करना कि मार्केट में वापस एक ड्रॉप आता हुआ देख सकते हैं जी। ये सर जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि 6300 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है। अजय जी हमने सोयाबीन को 6200-6300 के एक सीमित दायरे में अब ट्रेड करते देख रहे हैं, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से साउथ अमेरिका में वेदर कंडीशन को लेकर थोड़ा असमंजस है, थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है, हालांकि अभी यही बताया जा रहा है कि थोड़ा प्रोडक्शन में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है साउथ अमेरिका के अंदर, और वहीं भारत में इस बार सोपा का आंकड़ा था कि पिछले साल के मुकाबले 14% जो प्रोडक्शन है वो इस बार ज़्यादा रह सकता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या सोयाबीन में आगे कुछ कीमतें अच्छी देखने को मिल पाएंगी? देखिए सोयाबीन में इंटरनेशनल मार्केट तो अभी भी तेज है, एक अगर आप ये स्विंग की बात करें तो 1220 से हमने करीबन 1380 तक का एक स्विंग बनते हुए देखा है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा पॉलिट्री इंडस्ट्री की डिमांड स्लोली इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित है उसके चलते हमने स्टॉक लिमिट और फ्यूचर पे बैन होते हुए देखा है, उसके से थोड़ा सा एक सेंटिमेंट खराब हुआ कि जनरली अगर समझो फ्यूचर्स बैन होते हैं तो जितने भी इंपोर्टर्स है उनकी एक्टिविटी में हम देखते हैं कि गिरावट आ जाती है, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि फ्यूचर में बैन होने की वजह से कुछ एक्टिविटी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, बट ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देखते हुए मुझे अभी भी यकीन है कि मार्केट के अंदर तेजी का रुख ही कायम है। टाइमिंग डोमेस्टिक मार्केट का अराइवल पीरियड भी है तो थोड़ा बहुत पुलबैक दिखा रहा है, बट 5850 के नीचे कोई भी एंगल से प्राइस जाते हुए दिखाई नहीं देती है। एक बार महीने बाद निकल जाता है उसके बाद धीरे धीरे 6800 से 7000 तक का लेवल प्राइस दिखाने के लिए तैयार रहेगा। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही रखनी चाहिए, हाजिर अगर किसी के पास माल है तो उन्हें बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा जी। तो यानी कि सोयाबीन में अभी भी थोड़ा अराइवल प्रेशर की वजह से कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन आगे जाके सोयाबीन में अजय जी के मुताबिक 7000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये सर अजय जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में देख रहे हैं कि वायदा और फिजिकल दोनों में ही काफ़ी अच्छी तेजी हमने आते हुए देखी है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में भी किसी किसी जगह पर, मध्य प्रदेश की बात करूं तो अगर 11000 के भी ऊपर फिजिकल में कॉटन की बिकवाली होते हुए नजर आई है, वहीं वायदा में भी 34000-35000 के भी लेवल देखने को मिल चुके हैं, आपको क्या लगता है क्या कॉटन अब सफेद सोना बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है? देखिए मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में खाली तेजी देखकर हम अगर कोई भी निर्णय करें वो गलत होता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी देखेंगे तो हम 112-116 की रेंज में है इस वक्त और 120 सेंट के ऊपर अगर प्राइस निकल जाए तो आई थिंक 138 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। ग्लोबल मार्केट में काफी फैक्टर्स है, एक तो वेदर कंडीशन है, साथ में डोमेस्टिक मार्केट में जो हमने पिंक बॉल बॉम्ब और व्हाइट फ्लैग का अटैक देखा उसकी वजह से भी यील्ड में ड्रॉप है, फार्मर भी सेकंड क्वार्टर के बाद दूसरे क्रॉप से शिफ्ट हो गए थे, ये सारे फैक्टर्स है तो कॉटन को सपोर्ट करता, साथ में पैंडामिक के बाद हमने देखा एपेरल इंडस्ट्री से जो डिमांड है वो 200% तक का भी जम दिखाता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते कॉटन को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में टेक्निकली थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है, इसलिए हमने मॉर्निंग सेशन में 34000 का भी एक पुलबैक आते हुए देखा, बट फंडामेंटल फ्रेंकली इतने मजबूत है कि 34000 से एक ही दिन में हमने वापस प्राइस को 36000 तक जाते हुए देख पा रहे हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आने वाले दिन पुलबैक मिलता है वहां से फिर से लेके चलिए 42000 तक का रिट्रेसमेंट हम कॉटन के प्राइस में आते हुए देख पाएंगे जी। तो यानी कि कॉटन की कीमतों में काफ़ी अच्छी शानदार तेजी आगे भी बनती नज़र आ सकती है। ये सर जी बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा में भी देख रहे हैं कि मेंथा धीरे धीरे तेजी की ओर जाता नज़र आ रहा है। साल 2021 में काफ़ी वीक डिमांड देखने को मिली थी, लेकिन 2022 की शुरुआत में देख रहे हैं कि जो मेंथा है वो धीरे धीरे तेजी की ओर जाता नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है 2022 में मेंथा का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए मेंथा सबसे लीस्ट रिटर्न देने वाली कमोडिटी है 2021 की, बट साथ में हाजिर मार्केट में देखे तो हमने कैश कल्चर जीएसटी को लेकर थोड़ी अनसर्टेनिटी, डिमांड को लेकर, क्योंकि मेंथा अरोमा इंडस्ट्री में भी काफी यूज होता है और जिस दिन से हमने देखा लॉकडाउन की वजह से अरोमा इंडस्ट्री से बिल्कुल डिमांड नहीं थी,
काफी जगह पे हमने को बैंक पे भी न्यूज आती हुई देखा, तो काफी इम्पैक्ट पड़ा और मैं था रेंज बाउंड था, बट अब कहीं ना कहीं जो 920 से 990 का जो दायरा था वो ब्रेक कर चुका है, धीरे धीरे डिमांड भी लौटते हुए दिखाई दे रही है। जीएसटी को लेकर थोड़ा सा अर्थाकटी बना हुआ है, बट एक बार मुझे लगता है ट्रेड थोड़े सेटअप होना चाहिए, जो कैश क्रेंसेस है वो भी मार्केट से निकलते हुए दिखाई देंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव लेकर चलते क्योंकि फरवरी एंड तक हमें क्लियरिटी रहेगी नए सीजन की सोइंग कैसे रहेगी, तो आई थिंक ऐसा कोई लुक्रेटिव रिटर्न नहीं मिलने की वजह से एक बार फार्मर दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर है, बट अगर हम मेहता जनरली मंथ की बात करें तो 1020-30 के आसपास मिले, लेकिन तो इमीडिएट तो आपको 1080 का ही टारगेट है, बट ओवरऑल मार्च मिड तक की बात करें तो 1140-1150 का भी लेवल हम देख पाएंगे। जी अजय जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप एग्री कमोडिटीज के लिए? देखिए एग्री कमोडिटी में मुझे लगता है मसाला और कॉटन सीड ऑयल केक, ये दोनों सेगमेंट मुझे काफी अच्छे से, कॉटन सीड ऑयल केक में आज ऑलमोस्ट 3% अपसाइड है, तो थोड़ा भी 150-200 पॉइंट की गिरावट है तो ही एंट्री करनी है फ्रेश के लिए, ऊपर का 4000 का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में देखने मिल जाएगा। वहीं धनिया के अंदर भी 9,000-9,100 के तरफ लेके चलिए, थोड़ा व्यू लंबा रखिए क्योंकि पैसा अच्छा बनेगा पोजिशनल कॉल में रादर देन इंट्राडे बिकॉज वॉलिटी काफी ज्यादा अकाउंट रखने, जो ऊपर में 12,500 तक का लेवल हमें लगता है धनिया में दिखा देगा। और लास्ट में जीरे की अगर हम बात करें तो जीरा अगर 7,500 के ऊपर वीकली क्लोज कर देता है तो हम सीधा 20,000 से लेकर 22,500 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो ओवरऑल जीरा, धनिया और कॉटन सीड ऑयल की ये तीन कमोडिटी को मैंने 1.5 महीने की अवधि की ओर देखते हुए लेना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि अजय जी ने बताया कि जीरा, धनिया और बिना लखल यानी कि कॉटन सीड ऑयल केक, ये तीन ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो आपको पूरे साल 2022 में अच्छा मुनाफा देती हुई नज़र आ सकती हैं। उन्होंने जो लेवल दिए हैं इन कम्युनिटीज़ में ख़रीदारी करने के लिए, आप उन लेवल्स पर ख़रीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फ़िलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।